क्लास, आज हम मैथ का पेज नंबर 70 करेंगे। फाइंड द प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई के क्वेश्चन है। 27 मल्टीप्लाई 3, 3 का टेबल हमने 7 पे और 2 पे पढ़ना है। फर्स्ट पे हम 7 पे पढ़ेंगे। 3 7 का कितना होता है 21। 21 का हम 1 लिखेंगे, 2 हम कैरी करेंगे और फिर 3 का टेबल हम 2 पर पढ़ेंगे। 3 2 द 6, 6 में 2 कैरी जो आया था वो प्लस करेंगे 8। 81, 1 1s में आ गया है, 8 10s में आ गया है, 81 इसका आंसर है। सेकंड पे है 44 मल्टीप्लाई 6, 6 का टेबल हम 44 पे पढ़ेंगे। फर्स्ट पे हम 4 पे पढ़ेंगे, 6 4 द 24, 4 लिखेंगे, 2 आएगा कैरी। सेकंड पे हम 6 का टेबल फिर 4 पे पढ़ेंगे, 6 4 द 24, जो कैरी था वो इसमें प्लस करेंगे 26। 26 ये हमारे पास आया 264। 4 आएगा 1s में, 6 आएगा 10s में और 2 आएगा 100 में, 264। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 75 मल्टीप्लाई 6, 6 का टेबल हम पढ़ेंगे पहले 5 पर। 6 5 का कितना होता है 30, 30 का हम 0 लिखेंगे, 3 कैरी आएगा। फिर हम 6 का टेबल 7 पे पढ़ेंगे, 6 7 दा 42, 42 में हम 3 प्लस करेंगे 45, 450 आ गया हमारे पास। 0 1s में आएगा, 5 10s में आएगा और 400 में आएगा, हमारे पास आ गया 450। नाउ ट्राई दीज, अब ये क्वेश्चन है 2325 मल्टीप्लाई 3, 3 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम 3 5 द 15 लिखेंगे, 5 आएगा 15 का, 1 कैरी आएगा, 2 के ऊपर कैरी लेंगे। फिर 3 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे, 3 2 द 6, 1 जो कैरी आया था इसमें प्लस किया 7, इसमें कैरी नहीं है। फिर 3 का टेबल 3 पर पढ़ेंगे, 3 3 द 9, इसमें भी कैरी नहीं है। फिर 3 का टेबल 2 पर पढ़ेंगे, 3 2 द 6, हमारे पास आ गया 6975, 6975। उम्मीद करती हूँ आपको इन सवालों की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।